अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आमनास रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? तो अभी मैं वीडियोस देख रही थी और मेरी नज़रों से कुछ वीडियोस गुजरी हैं जिसमें कि जो अरमान मलिक की बहन है सुनीता, उनके बेटे ने अपील की है कि मम्मा की तबीयत बहुत ख़राब है और मम्मा को बहुत फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और जो मम्मा है उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है, इसलिए यहाँ पर जो चीज़ें चल रही हैं सोशल प्लेटफॉर्म पर, जो कुछ बखेड़ा खड़ा किया गया है, मम्मा ने भी उसमें कंट्रीब्यूशन डाला है बेटा आपकी, क्योंकि मम्मा ने जाकर लोगों को आपके घर की बातें बताई, आपके जो मामा हैं उनके घर की, मामू के घर की, और पता नहीं कितनी, दो की चार, चार की पाँच, हर कोई अपने स्टेटमेंट में इतना खरा नहीं होता। और लड़ाई झगड़ा, जलन और मैं तुम्हें मज़ा चिखाऊंगी वाला जो एटीट्यूड है ना, ये बहुत कुछ गलत करवा देता है। तो खैर, मम्मा ने जो किया तो अब ये सारी चीज़ें तो मम्मा को फेस करना पड़ रही होंगी, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनको कॉल्स भी आ रही होंगी, उनको हर तरफ से प्रेशर आ रहा होगा, जिसके बारे में उन्होंने अभी कहा कि किसी ने उनसे मतलब जिस लेडी ने अरमान मलिक एंड फैमिली को एक्सपोज किया है या जो उनके ऊपर बड़ी बड़ी लाइव्स कर रही हैं, तो उनके हवाले से आपकी मम्मा का स्टेटमेंट है कि उन्होंने 7 लाख रुपए लिए हैं अरमान से, तो अब उधर से बैकफायर हो रहा है, यानी कि मैंने नहीं तुमने पैसे लिए, और एक ऑडियो आपकी मम्मा की चला दी गई है। तो आपकी मम्मा को ज़रूरत ही क्या थी इधर उधर जाकर सबको कॉल्स कर करके और सबसे कॉल्स पे आ आके अपने घर की जो सच्ची झूठी कहानियाँ हैं वो करने की। अगर इस तरह की बातें करेंगी तो इस तरह के मामलात और इस तरह के हालात तो फिर उन्हें फेस करना पड़ेंगे। तो आप बेहतर है कि रिक्वेस्ट करने से पहले अपनी मम्मा को समझाएं कि मम्मा ये सारी चीज़ें जब आपने की हैं तो बी रेडी फॉर इट, ये तो होना था। खैर जनाब, ये एक लेसन है आपके लिए भी, अभी आप बहुत छोटे हैं, बच्चे हैं, मैंने आपको देखा, बहुत अफसोस भी हुआ कि आपको आकर अपने घर के बड़ों के फैलाए हुए कचरे की सफाई के लिए यहाँ सोशल प्लेटफॉर्म पे आके रिक्वेस्ट करना पड़ी है कि इस टॉपिक को बंद कर दें। तो आपको क्या लगता है कि आपके एक रिक्वेस्ट करने से ये टॉपिक बंद हो जाएगा? मुझे नहीं लगता बेटा ऐसा होगा। तो बहर कैफ देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन बहुत दुख की बात है कि जो हमारे व्लॉगर्स हैं उनके फैमिली मेंबर्स ही जो हैं उनको गिराने के लिए सच्ची झूठी नाप तोल कर और इधर उधर से ला कर कहानियाँ बनाते हैं और उसको सोशल प्लेटफॉर्म पे फेंक देते हैं। क्या होता है, बड़ी बड़ी लाइव्स होती हैं, बड़े बड़े लोग उसमें जाकर इंटरेस्ट लेते हैं, इधर से इल्ज़ाम उधर से इल्ज़ाम, और उन पर एड्स चलते हैं, बड़ी बड़ी अर्निंग होती है, किसी का कुछ नहीं जाता, कुछ अरसा कॉन्ट्रोवर्सी चलती है, फिर चीज़ें जो हैं वो बैलेंस आउट होके ठंडी होके ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि ना यहाँ पर कोई कोर्ट है, ना यहाँ पर कोई इदारा है जो किसी को किसी के गुनाह की पनिशमेंट देगा, बस यहाँ चकर चकर बकर बकर होगी 4 दिन तक और चीज़ें जो हैं फिर वो फिनिश हो जाएंगी। तो इट्स बेटर कि अपनी फैमिली का तमाशा मत बनाएं, मत बनाएं, मत बनाएं। इसी के साथ कहूँगी अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, नेक हिदायत दे, अल्लाह हाफ़िज़।